हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन। आप सभी का शॉर्ट एंड स्वीट केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो सीरीज को आगे रखते हुए हम आज लेक्चर 2 में फॉलोइंग टॉपिक की स्टडी करेंगे। लेक्चर 2 के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। देन आफ्टर हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ लिगेंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जितने भी टाइप के लिगेंड होते हैं उनकी स्टडी हमें इस लेक्चर में मेजर रूप से करनी है। इसमें से हमेशा 2 नंबर मार्क का क्वेश्चन जेआरएफ नेट के अंदर पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को हमें बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। लास्ट टॉपिक हमारा इस लेक्चर का रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट हमें इसे हमारे अपकमिंग लेक्चर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स हम यूज करेंगे उसके नेमिंग के लिए ये टॉपिक हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने कोर्स ओवरव्यू के बारे में स्टडी किया था। कोर्स ओवरव्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में टोटल कितने लेक्चर होने वाले उसके बारे में हमने आपको बताया था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अप्रोक्सीमेट 20-25 मार्क के क्वेश्चन जेआरएफ नेट के अंदर पूछे जाते हैं, और इसमें इस वीडियो सीरीज के अंदर टोटल 25 लेक्चर्स के अंदर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? जनरली हमारे पास एक मेटल कैटायन या एटम होता है जिसके ऊपर, या मेटल कैटायन न्यूट्रल भी हो सकता है, उसके ऊपर चार्ज भी हो सकता है, वो मेटल कैटायन के रूप में हो सकता है। अगर उस कैटायन है तो वो क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन सफिशियंट ग्रुप है उनसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक बॉन्ड क्रिएट करेगा जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मेटल कैटायन अटैच टू अ ग्रुप ऑफ लिगेंड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कब फॉर्म होता है? जब मेटल के पास, या आप ये कह सकते हैं कि मेटल के पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन आपको देखने को मिलेगा। इंटरैक्शन इस टाइप से ये लिगेंड मेटल के अराउंड आके अरेंज हो जाते हैं बहुत सारे। अगर उसकी टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के अनुसार लिगेंड जो है वो मेटल के चारों ओर आके अरेंज हो जाते हैं, लाइक इस टाइप से। ओके, इन सभी के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हमने देखने को मिलता है। इस टाइप से ये एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं। उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से हम उसे जानते हैं। तो शॉर्ट के अंदर हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। तो मेटल कैटायन या फिर मेटल एटम के चारों ओर ग्रुप ऑफ लिगेंड जुड़े हुए रहेंगे, कौन से बॉन्ड से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है कि आपके पास जो लिगेंड है वो लिगेंड अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को। ओके, तो आगे पढ़ते हैं हम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द न्यूट्रल कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आयनिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट, वो है आपका ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या कॉम्प्लेक्स कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं, लाइक प्लैटिनम सेकंड, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है। डाई एमिन, आपके पास लिगेंड है एमिन, यहाँ पे NH3 को लिगेंड को हम एमिन के नाम से जानते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ये डाई क्लोरो। तो ये पूरा का पूरा, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, जीरो, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड इसको हम कह रहे हैं। ये आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। सेकंड हम पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में आपका जो कंपाउंड है पूरा का पूरा वो
कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दो पार्ट के अंदर आपका इसको आप डिसोसिएट कर सकते हैं जब वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे तो ये दो पार्ट में हो जाएंगे। एक आपका मिलेगा कैटायनिक पार्ट, ये आपका कैटायनिक पार्ट, सेकंड आपको देखने को मिलेगा एनायनिक पार्ट। ओके, एनायनिक पार्ट में हम क्या देखेंगे, इसे ऊपर कर लेते हैं। एनायनिक पार्ट जो है उसके अंदर ये वाला स्फीयर आपका बाहर रहता है, इसके कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, इसे कहते हैं अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हम आगे के स्लाइड में इसको टर्म को यूज करेंगे। तो जनरली हुआ क्या, आपके जो आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड थे वो आपको वाटर के अंदर एज ए आयन मिल जाएंगे, बट जो कैटायनिक पार्ट था इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में मेटल के साथ जितने भी लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होते। ओके, ये क्या है, वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होते, तो ये मेटल कैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके अंदर बिहेव एज ए लेविस एसिड, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लिगेंड क्या रहते हैं इसके अंदर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास रहता है लिगेंड के पास, इसलिए ये एक्ट एज ए लेविस बेस, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का बिहेवियर शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो एज ए बेस की तरह ये बिहेव करते हैं। अब टर्म यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से टर्म यूज होंगे वो देख लेते हैं। अगर हम सेंट्रल मेटल की बात करते हैं तो कोई भी मेटल कैटायन जो जिसके चारों ओर लिगेंड अटैच होंगे या जुड़ेंगे वो आपका सेंट्रल मेटल कहलाएगा, तो ये आपका कोबाल्ट इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल में। लिगेंड की बात करते हैं तो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए जितने भी आपके एटम है या ग्रुप है वो आपके लिगेंड कहलाएंगे, तो ये पार्ट आपका है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस पार्ट के अंदर मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप ऑफ ग्रुप जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से जुड़े हुए मेटल से वो आपके लिगेंड कहलाएंगे, तो NH3 6 मॉलिक्यूल आपके आपके हैं ये लिगेंड। अब है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, जो आपका कैटायनिक पोर्शन है आपका, उस कैटायनिक पोर्शन या कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी एलिमेंट है आयनिक फॉर्म के अंदर वो आपका कहलाएगा आयोनाइजेशन स्फीयर। ये आपका जो जो कि डायरेक्टली सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स के चारों ओर आयन के रूप में Cl3 अटैच्ड होते हैं, तो ये है आपका क्या चीज है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्रिएट करते हैं। फिर है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, मेटल के डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड जितने भी है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड है वो आपका बनाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। लाइक यहाँ पे कोबाल्ट के साथ 6 amine लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस मींस इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हुआ 6, और जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ज्योमेट्रिक की स्टेप्स निकलती है ऑक्टाहेड्रल। देन आफ्टर हमें पढ़ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट क्या रहता है, जो मेटल है मेटल से अटैच्ड लिगेंड वाला पार्ट, ये इतना पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक रहता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक रहेगा आपका आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला पार्ट रिमेनिंग पार्ट ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर। तो इस टाइप से इन टर्म को हम यूज करेंगे जिसको स्टडी हमने करनी थी। अब देखते हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट आयन लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इन एक्विस सॉल्यूशन, इट मींस लाइक अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट एलिमेंट का टेस्ट परफॉर्म करूं तो कोबाल्ट इंडिविजुअल एलिमेंट का टेस्ट हमारा पॉजिटिव नहीं आएगा, और अगर मैं नाइट्रोजन का टेस्ट परफॉर्म करूं तो नाइट्रोजन का टेस्ट भी हमारा जो है हमारे पास पॉजिटिव नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इंडिविजुअल आयन अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और कॉम्प्लेक्स का एक अलग बिहेवियर, अलग उसका नेचर, अलग कैरेक्टर रहता है, तो ये अपने कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ना कि कोबाल्ट का एलिमेंट का टेस्ट देगा ना नाइट्रोजन का। लेकिन जो इसका क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा, क्यों, क्योंकि ये जो है आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करता है, वाटर के अंदर आयन्स बनाएगा 3Cl- के रूप में, बट ये पूरा कैटायनिक जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स का, कैटायनिक पार्ट या कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो आपके वाटर के अंदर आयोनाइज नहीं होंगे, ये सारे के सारे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो यही इस पॉइंट के द्वारा
हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इंडिविजुअल एलिमेंट इन आयन अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके इंडिविजुअल आयन लॉट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो इस पोर्शन को आप अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इंडिविजुअल आयन की आइडेंटिटी इसके अंदर हम काउंट नहीं करते। पूरे कॉम्प्लेक्स का एक अलग नेचर होता है और वो कॉम्प्लेक्स के एक अलग नेचर के द्वारा हम इसकी आइडेंटिटी करते हैं। इसमें इसके कलर एंड स्पेक्ट्रा के द्वारा भी हम इसका पता लगाते हैं, आयर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के द्वारा हम इसका पता लगाते हैं, एक्सआरडी के द्वारा हम इसका पता लगाते हैं। तो चलिए अब ये आपका कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट हेक्साएमीन क्लोराइड। इसमें क्या है, डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ कोबाल्ट आयन क्लोराइड एंड NH3 टेस्ट। इसमें क्लोराइड आयन का जो कि वाटर सॉल्युबल है तो ये जब प्रेसिपिटेट होके आपके टेस्ट मिल जाएंगे तो इसे हम एक्सक्लूड करते हैं। इसको क्या करेंगे, हम एक्सक्लूड कर लेते हैं। ये आपका टेस्ट देगा बट कोबाल्ट 3 एंड NH3 का नाइट्रोजन, हम कह सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन लिख लेते हैं, नाइट्रोजन आपको टेस्ट नहीं देगा। नाइट्रोजन का अलग से यहाँ पे कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 2 की स्टडी करते हैं हम। ओके, हाइलाइटर का यूज करते हैं। हमें पढ़ना है वार्नर थ्योरी। वार्नर एक साइंटिस्ट का नाम था, वापस से रीडो करते हैं, स्क्रीन फिट कर लेते हैं। ओके, जस्ट वार्नर एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर अपनी स्टडी की थी। तो वार्नर ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी इनके कॉन्क्लूजन थे उन्हें हम शॉर्ट के अंदर पढ़ लेते हैं। वार्नर थ्योरी डिपेंड करते स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया और फॉर्मेशन के बारे में इनिशियली नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाया। इन्होंने दो टाइप की वैलेंसी को प्रोवाइड करवाई हमें। इन्होंने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है कि प्राइमरी वैलेंसी रिलेटेड होती है आपके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। सेकेंडरी वैलेंसी किससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। ये दोनों ही आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे। अब आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है और नॉन डायरेक्शनल है। इट मीन्स जियोमेट्री में ये इसका कोई रोल ज़्यादा होता नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल है। जब भी हम जियोमेट्री कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्ट करते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी का ज़्यादा रोल नहीं होता। अब सेकेंडरी वैलेंसी जो है हमारी वो है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर वाला सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल। इट मीन्स ये डिसोसिएट नहीं होता है वाटर के अंदर और डायरेक्शनल नेचर है। कैसा नेचर है इसका, डायरेक्शनल। यहाँ पे जैसे हमने ये कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड के अंदर जो आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर Cl3 है ये आपका प्राइमरी वैलेंसी था, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है NH36 ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी था जो कि आपका कॉम्प्लेक्स में जियोमेट्री प्रोवाइड करवाता है। ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं जबकि ये वाला जो है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का है। तो यही आपको समझना है। फिर ये वार्नर थ्योरी के पॉइंट हमें पूछे जाते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है या नहीं, या सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है या नहीं। तो करेक्ट स्टेटमेंट रहता है सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल एंड इट इज डायरेक्शनल नेचर, व्हाइल प्राइमरी वैलेंसी इज प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड इट इज नॉन डायरेक्शनल, और सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल एंड इट इज डायरेक्शनल। ठीक है, तो एक के साथ नॉन आयोनाइजेबल है, डायरेक्शनल है, एक आयोनाइजेबल है बट नॉन डायरेक्शनल है। यानी कथन को आप या स्टेटमेंट को आप याद रख सकते हो, एक आपका पॉजिटिव है तो एक उसका नेगेटिव स्टेटमेंट है। यानी आयोनाइजेबल है तो सेकेंड स्टेटमेंट नेगेटिव यानी नॉन डायरेक्शनल है। फर्स्ट वाला आप ऐसे याद रखिए, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे नॉन आयोनाइजेबल, और सेकेंड वाला क्या याद रखना, ये डायरेक्शनल नेचर का है। तो इस टाइप से हम याद रख सकते हैं, या फिर इसमें भी दिक्कत हो रही है तो हम डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स को लेकर के याद रख सकते हैं। ये अपना कॉम्प्लेक्स है, ये वाला पार्ट आपका आयोनाइजेबल होता है, और ये आपका जो पार्ट है ये कैसे है, आप प्राइमरी वैलेंसी है क्योंकि Cl3 माइनस चार्ज क्रिएट करेंगे, 3 माइनस चार्ज क्रिएट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज आएगा, और ये जो +3 है वो डायरेक्टली किससे अटैच है, आपके मेटल से। तो जो वैलेंसी आपके डायरेक्टली मेटल से निकल रही है
वो आपका प्राइमरी वैलेंसी में आएगा, और ये प्राइमरी वैलेंस जो है वो क्या है, नॉन आयोनाइजेबल है आपकी, नॉन आयोनाइजेबल एंड सॉरी आयोनाइजेबल है ये और नॉन डायरेक्शनल है, आयोनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल। जबकि आपकी जो अगर कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट की बात करें तो इसकी बात करें तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका देता है हमें सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी ये आपका आयोनाइजेबल नहीं है तो इसको कहेंगे नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल है तो नेचर जो इसका डायरेक्शनल नेचर है वो कैसा रहेगा, ये डायरेक्शनल नेचर के रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ओके, अब वेनर थ्योरी के एविडेंस के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे जो वेनर थ्योरी को फेवर में थे, तो उनमें पहला जो एविडेंस निकलता है वो है अपना इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मेजरमेंट, अगर मोलर कंडक्टेंस कब बढ़ता है, जब एक्विया सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फर्निश बाय सब्सटेंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर मैंने कॉम्प्लेक्स को वाटर के अंदर सॉल्युबल किया तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो उसकी प्राइमरी वैलेंसी के साथ एलिमेंट या एलिमेंट जो अटैच है वो आपके डिसोसिएट होके आयन्स क्रिएट करेंगे। जितने ज़्यादा आयन बनेंगे उतने ज़्यादा ही आपका मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। मोलर कंडक्शन के लिए फ्री आयन हमको चाहिए होते हैं। तो ये तीन या चार टाइप के आपके पास कॉम्प्लेक्स है, लाइक कोबाल्ट हेक्सामिन, थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट पेंटामिन, क्लोरो, देन कोबाल्ट क्लोराइड। इसके अंदर आपके पास टोटली इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको अगर नाम भी याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना देखना है कि इसके प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, आयोनाइजेबल जो आयन्स है वो कितने हैं। तो देखिए ये इसके आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर 3Cl है जो कि आयोनाइजेबल है, इसके आयोनाइजेशन स्फीयर में 2Cl है, इसके आयोनाइजेशन स्फीयर में 1Cl है, और इसके आयोनाइजेशन स्फीयर में कोई Cl नहीं, इसमें 0, ठीक है। तो इस पूरे से क्या हुआ कि इसके अंदर 3Cl जनरेट होंगे और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितने चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा, ठीक है। इसमें कितने 2Cl माइनस जनरेट होंगे, कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज आएगा, इसमें 1Cl जनरेट होगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज आएगा, और इसमें कोई Cl था ही नहीं, कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 चार्ज, या आप बोल सकते हो कि इसके अंदर जो मेटल आयन है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो इस टाइप से सेंट्रल मेटल के ऊपर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जब सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज इंक्रीज होता है तब आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस भी आपका इंक्रीज होगा, या चार्ज पार्टिकल। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो कितने चार्ज पार्टिकल जनरेट हो जाएंगे, 3+1 ये कॉम्प्लेक्स वाला, तो 4 पार्टिकल आपके जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जस्ट अगर आप पार्टिकल के रूप में हमें देखना है तो चार्ज पार्टिकल के रूप में देखना है तो फर्स्ट के लिए तो 4 हो जाएंगे, 4 इज ग्रेटर देन, इसके लिए 3, 2Cl और एक ये वाला जो पार्ट है आपका, तो ये 3 हो जाएंगे ग्रेटर देन, इसमें एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, एक कैटायनिक पार्ट एक एनायनिक पार्ट, तो इसमें 2, और इसमें कितना ही पार्ट निकलेगा, सिर्फ न्यूट्रल पार्ट ही, इसमें कोई डिसोसिएट नहीं होगा 1, तो किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, तो 4 जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल बन रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी आपको ज़्यादा रहेगी। तो वही वेनन ने भी बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है डिसोसिएट करने पे आपके प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के अकॉर्डिंग उनका डिसोसिएशन होता है और आपको आयन्स प्रोवाइड करवाते हैं, कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो सेकंड पे चलते हैं, फिर जो एविडेंस है वो था क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट का मतलब रहता है डिपेंडिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन। इट मीन्स कि जितने ज़्यादा सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स होंगे उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा आपका लो जाने वाला है, नीचे की ओर जाने वाला है, या फ्रीजिंग पॉइंट आप कह सकते हैं नेगेटिव के अंदर बढ़ेगा। नेगेटिव साइड बढ़ेगा कब, जब नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन आपके बढ़ेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट का ये ऑर्डर देखा, लाइक ये था आपका जो कॉम्प्लेक्स हमने ऊपर स्टडी किया वही हम नीचे ले रहे हैं। जितने चार्ज पार्टिकल या जो फर्निश्ड आयन्स थे वाटर के अंदर, इसमें कितने फर्निश्ड आयन रहेंगे आपके, 3 क्लोराइड का एक कॉम्प्लेक्स का, तो टोटल 4 पार्टिकल रहेंगे। तो अगर इसमें 4 पार्टिकल है तो इसका जो
फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे लो रहेगा, इट मीन्स माइनस के अंदर सबसे लो आपका रहेगा, जिसके अंदर फोर पार्टिकल है, फिर आपके थ्री पार्टिकल वाले, देन आफ्टर टू वाले, और देन आफ्टर जिसके अंदर वन पार्टिकल ही रहेगा वो, इट मीन्स इसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई है कंपेयर टू इस कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। तो नेगेटिव के अंदर ये सबसे ज़्यादा है और ये कम है। तो सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट, या आप ये पूछ सकते हो कि सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किस कॉम्प्लेक्स का रहने वाला है, तो वो आपका रहेगा हेक्साएमीन वाले कॉम्प्लेक्स का रहेगा। अदर जो आपका एविडेंस था वेनर थ्योरी के साइड, वो तो आपका था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इसे हम ध्यान से मार्क कर लेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आपके आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर, ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया, आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर अगर कोई क्लोराइड प्रेजेंट है तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट होकर सिल्वर क्लोराइड बना देता है, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा और आपके सॉल्यूशन में नीचे की ओर दिखाई देगा। अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्लोराइड है तो वो प्रेसिपिटेट नहीं होते, ये हमें बात को याद रखना है। कौन से क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट होंगे? ओनली आयनोस्फीयर के, जो आपके, इसको हम जस्ट आयनोस्फीयर लिखना है हमको, ओके, आयनोस्फीयर Cl गेट प्रेसिपिटेट, ठीक है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात, कोऑर्डिनेशन स्फीयर Cl डज नॉट प्रेसिपिटेट, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। कौन से होंगे? सिर्फ आपके इसके अंदर रहेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर वाले Cl आपके प्रेसिपिटेट होंगे। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले कौन से थे वो भी देख लेते हैं हमने। तो ये जो कॉम्प्लेक्स एक यहाँ पे रीड किया था लास्ट वाला, कोबाल्ट ट्राई एमाइन ट्राई क्लोरो, इसके अंदर आपके सिल्वर नाइट्रेट अगर मैं सॉल्यूशन डालूं तो इसमें कोई भी प्रेसिपिटेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। लाइक अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, कौन सा था, कोबाल्ट NH3 वापस राइट करते हैं इसे, ओके, कोबाल्ट NH3 NCl3। अब ये पूरा का पूरा न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके अंदर हमने डाला AgNO3, तो इसमें अपने को नो प्रेसिपिटेट ऑप्टेन। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोराइड है वो कहां पे प्रेजेंट है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है ये, तो इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो आपके पास पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है उसका नेचर कैसा रहने वाला है, ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब है आपका सिडविक कंसेप्ट फॉर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए सिडविक ने एक कंसेप्ट दिया था जो कि वेल नोन है और इसको बार बार यूज में लेते हैं। क्या था ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सिडविक, इन्होंने बताया कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट किए जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है। तो इस बॉन्ड, इस कंडीशन में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल कैटायन और एटम, तो आपको इस टाइप से एक बॉन्ड फॉर्म होगा मेटल लिगेंड, और आपको एक एरो का शो करना है जो कि मेटल की साइड रहेगा। इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd आयन का, इसका डायगोनल नेचर रहेगा आपका 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये आपकी ज्योमेट्री रहने वाली है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कैसे करते हैं? अगर नहीं आता तो जस्ट आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए इसके चारों, पहले सेंट्रल मेटल ब्रांच, ऊपर नीचे एक लाइन खींचिए
फिर क्रॉस में दो लाइन, इधर दो लाइन, ये बन गया आपका ऑक्टाहेड्रल। जो भी लिगेंड है उसको अरेंज कर लीजिए, NH3, 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 NH3। अगर और अच्छा बनाना है तो फिर इसको सभी लाइंस को मिला लीजिए आप, तो ये आपका बन जाएगा जस्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, बनाने में जिसको प्रॉब्लम आती है वो इस तरह से सीख लेंगे, और जिनको आता है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दूसरी, ये आपका सिडविक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर हो गया, और ये जो एरो के निशान है मेन यही चीज है जो कि शो कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ओके, अब है लिमिटेशन ऑफ सिडविक कंसेप्ट। तो लिमिटेशन क्या थी कि अकॉर्डिंग टू सिडविक कंसेप्ट कि जब भी लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मेटल के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके डी ऑर्बिटल के अंदर बढ़ जाते हैं। तो होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वो आपके मेटल आयन के ऊपर या मेटल ऑर्बिटल में बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अगर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल रहेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आपका अगर बढ़ेगा तो वो आपका अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स की ओर जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल डी ऑर्बिटल इंक्रीज पार्शियल। तो अब ये अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए किसमें ये चेंज होता है, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर क्रिएटेड इन कॉम्प्लेक्स। अब होता है क्या है कि लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा, जो कि मैंने आपको बताया लेस स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस रिपल्सन को दूर करने के लिए फिर पॉलिंग ने अपनी एक थ्योरी दी कि रिपल्सन दूर कैसे होता है। तो फिर हम पढ़ते हैं पॉलिंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ये सिडविक कंसेप्ट के बाद हमें क्या पढ़ना है, पॉलिंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, जो इसकी लिमिटेशन थी उसे दूर किया पॉलिंग ने अपने एक स्टेटमेंट से। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग इन्होंने क्या बताया कि मेटल लिगेंड बॉन्ड सम आयनिक कैरेक्टर के रहते, इट मीन्स ये जो बॉन्डिंग है कोवेलेंट ना होके या कोऑर्डिनेटेड ना होके आयनिक कैरेक्टर कैसे आएगा इसके अंदर। अब इसमें एक बैक बॉन्डिंग का भी कंसेप्ट आएगा, क्या आएगा आपको, बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा, इसे हमें बहुत ही अच्छे से समझना है, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक चलेगा, हम लेंगे बाद में। अब क्या होगा, ड्यू टू ML कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज और मेटल डी ऑर्बिटल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इससे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब क्या होगा आपका, बॉन्ड पेयर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू डोनर एटम ऑफ लिगेंड। अब क्या हुआ कि जो आपके भी बॉन्ड पेयर था, ये जो है बॉन्ड पेयर, ठीक है, जो आयनिक कैरेक्टर के कारण ये लिगेंड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, लिगेंड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जिससे जो हाई नेगेटिव चार्ज मेटल पे आपका एक्यूमुलेट हुआ है उसको डिस्पर्स कर सके। क्या करना है, इसको डिस्पर्स करना है। तो पहले लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, किसमें देगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, पाई स्टार के अंदर, देखते हैं आगे। तो अब क्या हुआ, इन एडिशन टू मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड, जो पहले मेटल लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए थे वो क्या, कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा। अब क्या होगा कि लिगेंड के जो फील्ड ऑर्बिटल थे उससे इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल थे उससे इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इम्पर्टी ऑर्बिटल पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर वापस से डोनेट किए जाएंगे, जिससे मेटल के पास जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम किया जा सकते हैं। तो ये आपका कहलाएगा पाई बॉन्डिंग, क्या कहलाएगा, पाई बॉन्डिंग। कई बार इसको हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, और बैक बॉन्डिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं, तो इसे हमें याद रखना कि एक्चुअल में आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल कैसे रहता है, इस कारण से आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबिलिटी की ओर जाता है। ओके, तो इन एडिशन टू मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड देयर शुड बी मेटल लिगेंड पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स फ्रॉम मेटल एंड कॉम्प्लेक्स गेट स्टेबल। तो ये पूरा एक प्रोसेस चलता रहता है कि पहले सिग्मा बॉन्ड जनरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड के बाद आपका बनेगा पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन हुआ मेटल से, एंड देन कॉम्प्लेक्स स्टेबल हुआ। तो आपको ये कंसेप्ट पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला समझ लेना, क्योंकि पूरा का पूरा अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी कहाँ से आती है,
तो स्टेबिलिटी आने का यही आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाना है, इसलिए ये जो कंसेप्ट है इतना आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब है टॉपिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हमें क्या स्टडी करना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये बताता है कि कोई कॉम्प्लेक्स आपका कब स्टेबल रहेगा, कोई कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कब स्टेबल रहेगा, इसकी जानकारी हमें देता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसमें चलिए हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम बोलेंगे किसको, तो टोटल आपके जो मेटल है कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। कोई कॉम्प्लेक्स लिया, जैसे ये हम एग्जाम्पल के रूप में इसे समझते हैं, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स है हेक्साएमीन कोबाल्ट और इसके ऊपर प्लस 3 चार्ज है, तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन पता करना है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, और ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर होंगे, कोबाल्ट के जस्ट नेक्स्ट इनर्ट गैस एलिमेंट वाला कौन सा एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बराबर होगा। तो कोबाल्ट के बाद जो इनर्ट गैस एलिमेंट है वो है आपका क्रिप्टॉन, 36 एटॉमिक नंबर है। तो यानी इस कॉम्प्लेक्स का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर 36 आता है तो वो स्टेबल रहेगा। तो चलते चेक करते हैं। तो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर है आपका 27, प्लस 3 चार्ज है मेटल के ऊपर, तो 3 इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें, तो कोबाल्ट प्लस 3 के कारण कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन आएंगे 24। 6 आपके पास लिगेंड है और इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, पर लिगेंड आपका क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो आपके टोटल हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलेंगे। तो जब हम टोटल करेंगे 24 प्लस 12 तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 36। तो ये 36 का फिगर किसके बराबर होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के बराबर हो गया, यानी क्रिप्टॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉन थे 36 उसके बराबर है, इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल रहने वाला है। तो इस टाइप से हमें कनेक्टिविटी शो करनी पड़ती है कि कॉम्प्लेक्स का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो रहा है, और ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है वो नेक्स्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन जो आपका एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर आना चाहिए। स्लाइड को ऊपर लेते हैं, तो यही हमने शॉर्ट में लिखा है EAN, जो कि हमारा फुल फॉर्म क्या था, EAN का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो EAN इट मींस सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, और ये EAN नंबर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को शो करता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है या नहीं वो कौन बताएगा, EAN नंबर। सेकंड रूल जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करवाता है या उसके बारे में जानकारी देता है वो है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी हमने इसे डिटेल स्टडी की है, और आपके जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसके अंदर भी इसका यूज हम करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या था, अकॉर्डिंग टू EAN रूल हमें ये बताता है कि अगर किसी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिएगा डिफरेंस क्या है, जहां पे हम बात कर रहे हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, EAN के अंदर हम बात कर रहे थे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट की। तो हम जब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करते हैं EAN, एक बार हम जस्ट डिफरेंस बता देते हैं आपको, ये था आपका EAN, यह हम बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, और हम बात कर रहे हैं TVE, यहां पे हम बात कर रहे हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्या है आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम EAN के लिए इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करते हैं तो मेटल का जो एटॉमिक नंबर है उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है। जैसे कोबाल्ट का 27 था तो कोबाल्ट 3 प्लस में 27 माइनस 3 24 हम यहाँ पे ऐड करेंगे, बट अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उस मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, तो अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं NH2, इट मींस H2D7, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इलेक्ट्रॉन काउंटिंग या इलेक्ट्रॉन जोड़ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ते समय 7+2 को ऐड करके जोड़ना है, इट मींस ये कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 इलेक्ट्रॉन का आपको यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है, तो यही आपको डिफरेंस
दोनों के अंदर क्या रहता है समझना है। ईएएन के अंदर आपको हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखने की आवश्यकता होगी, जबकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एटॉमिक नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, आपको सिर्फ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना है। क्या याद रखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेम्बर रखना है, और आपका जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो स्लाइड को ऊपर करते हैं, चलिए अब देख लेते हैं परफॉर्म कैसे करना है। तो आपका जो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमें फाइंड करना होता है, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 18 आ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स आपका कहलाएगा स्टेबल। लाइक यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये है आपका कोबाल्ट NS3 और 3 प्लस इसके ऊपर चार्ज है। ये जो कोबाल्ट NS3 है उसके 6 आपके एटम है, यहाँ पे हमने 6 लिखा नहीं, हम लिख लेते हैं कितने लिगेंड है, ये 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड NS3 के कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। तो 6 एक NS3 आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है न्यूट्रल कंडीशन में, तो 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ कोबाल्ट 27 चार्ज है प्लस 3, तो इसके कोबाल्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, डीएनएन कॉन्फिगरेशन का मेंबर है जैसा कि हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर पढ़ा था। ओके, तो D9 में से 3 को माइनस करना है, आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं H2D7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्लस 3 चार्ज है, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 6 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 18। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 आ रहा है, तो इट मीन्स वो हाईली स्टेबल है। तो ये आपका रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी अप्लाई करके देखिए आ जाएगा। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, मैं थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ, लाइक निकल के एलिमेंट ऐसे हैं प्लैटिनम, निकल या पैलेडियम, ये D8 फॉर्म के अंदर आपके 16 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, और इनकी जो जियोमेट्री होती है वो कैसी रहती है, स्क्वायर प्लानर, ये आपको याद रखना है। लाइक अगर हम बात करें प्लैटिनम NS3/4, या आप बात करें प्लैटिनम Cl2 एंड NH3 ट्वाइस, ये सारे के सारे अगर इनका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे तो प्लैटिनम रहता है D10, ओके, बट कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका चार्ज कितना रहेगा, ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो इसके ऊपर चार्ज आपका, ये न्यूट्रल न्यूट्रल चार्ज है, तो प्लैटिनम अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा आपके D10, क्योंकि ये D10 फैमिली का है। यहाँ पे हमने D8 क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर D8 में हो जाते हैं, तो अभी तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है न्यूट्रल कंडीशन में, प्लस NH3 के 2 मॉलिक्यूल, 1 NH3 न्यूट्रल कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4। मार्कर सेलेक्ट करें, टोटल करते 10 + 2 = 12 + 4 कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन निकलता है वो कैसा निकलता है, अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालने की बात करें तो ये स्क्वायर प्लानर कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा। स्क्वायर प्लान कर दीजिए कैसे बनाए, इसको सीख लीजिएगा, पहले प्लैटिनम क्रॉस सेक्शन में बनाइए 2 लाइन, फिर यू क्रॉस सेक्शन में NH3। अब ये सिस और ट्रांस अलग अलग रहेंगे, आपको दे रखा हुआ कि सिस बनाना है या ट्रांस बनाना है। अगर सिस बनाना है तो ये दोनों आपके 90 डिग्री के एंगल पे, अगर ट्रांस बनाना है तो NH3 दोनों आपके 180 के एंगल पे। ये आपका सिस है, अगर एक हम ट्रांस ड्रॉ कर लेते हैं NH3 क्लोरीन, ये आपका हो गया ट्रांस। तो इस टाइप से जो एग्जेप्शंस है उसे हमने आपको बताया कि कौन से आपके एलिमेंट 16 और 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में रहने वाले हैं। तो प्लैटिनम इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो प्लैटिनम यहाँ पे कितना आएगा D10, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपके चार्ज रहेगा, वो चार्ज आपको लिखना है जो हमने अभी नहीं लिखा था, चार्ज कितना रहेगा +2। ठीक है, अब इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं, चलिए यहाँ पे हम टोटल वैलेंस इसका निकालते हैं। ये आपका
कॉम्प्लेक्स है, प्लस टू चार्ज है इसके ऊपर, प्लैटिनम कितना रहता है D10, अब प्लस टू चार्ज है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, D10 - 2 = D8, और यही बात हमने फर्स्ट टाइम मैंने आपको यहां बताई थी कि D8 जो फिगर है आपके पास कहां से आया। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन में अब आपका क्या रहेगा, NS3 4 यानी कि Mn के 4, आपके पास लिगैंड है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 4 × 2 = 8, देन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, ड्यू टू मेटल 8 इलेक्ट्रॉन प्लस ड्यू टू लिगैंड 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका जो ज्योमेट्री है वो कौन सी आएगी, स्क्वायर प्लानर आपकी ज्योमेट्री रहेगी, आप स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस टाइप से इसे समझना है कि कौन से इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, कौन से 16 इलेक्ट्रॉन को। तो मेजॉरिटी प्लेटिनम निकल पैलेडियम प्लस टू चार्ज या D8 कॉन्फ़िगरेशन में 16 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, और अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका हो रहा है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो भी वो आपका स्क्वायर प्लानर कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट आपके 18 इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टेबल रहे, कुछ 16 इलेक्ट्रॉन के अंदर भी स्टेबल रहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हमें पढ़ना है डिफरेंस पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम शॉर्ट में लिखेंगे OMC, कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेशन ही बोलेंगे, या अदर नेम उसको C.C भी बोल सकते हैं, बट हम कोऑर्डिनेशन ही यूज करेंगे। हाईलाइटर का कलर चेंज करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल लिगेंड जो बॉन्ड का टाइप है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट मींस लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली मेटल को डोनेट करता है, ठीक है। और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में मेटल कार्बन बॉन्ड है वो आपका रहता है, कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड रहेगा या मेटल कार्बन बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पे जो लिगेंड है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है अदर देन कार्बन, तो वो कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जबकि मेटल कार्बन बॉन्ड आपका रहेगा कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड भी हो सकता है या अदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है, बट इसका जो सेकेंड पोर्शन है वो डेफिनेटली कार्बनिक पोर्शन होगा। क्या होगा आपका, कार्बनिक पार्ट होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड आपका ये सेकेंड पार्ट है वो कार्बन होना चाहिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए, जबकि कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के लिए लिगेंड का ये वाला जो पार्ट है लिगेंड वाला पार्ट जो डोनर एटम है वो आपका कोई भी एलिमेंट या एटम हो सकता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, जबकि OMC के अंदर मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल रहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरिएबल इलेक्ट्रॉन काउंट प्रेफर करते हैं ड्यू टू क्यू स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल स्टेबिलिटी के लिए वेरिएबल इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे प्रेफर करेगी। यहाँ पे फिक्स इलेक्ट्रॉन काउंट का रूल आपका प्रेफर करता है, या तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल या 16 इलेक्ट्रॉन रूल। कैटालिस्ट के लिए 16 इलेक्ट्रॉन रूल यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर जो कैटालिस्ट रहते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 16 और 18 का फिगर याद रखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपका जो बनता है, या फर्स्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट था जिसकी स्टडी साइंटिस्ट ने की थी वो कौन सा था, वेनर कंपाउंड, जिसको वेनर साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी परफॉर्म की थी उसी के नाम के ऊपर रखा गया वेनर कंपाउंड, कोबाल्ट NS3Cl3। तो इस कंपाउंड और इसके कुछ आइसोमर्स की स्टडी हमने परफॉर्म की, तो उसी के नाम पे रखा गया ये वेनर कंपाउंड, जिसके आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर 3Cl है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोई Cl नहीं है। अब फिफ्थ पॉइंट था, मेटल मस्ट बी इसके अंदर कैसा रहता है, लेविस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है, और लिगेंड मस्ट बी लेविस बेस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे इसका यूज करने वाले हैं। जबकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर कैटलिस्ट और कॉम्प्लेक्स कुछ एग्जाम्पल दे रखे, जैसे हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट लिया था एज ए एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम लेंगे एग्जाम्पल के रूप में कैटलिस्ट और कॉम्प्लेक्स, लाइक वॉस्का कॉम्प्लेक्स है, विल्किंसन कॉम्प्लेक्स है, विल्किंसन कैटलिस्ट है जो आपका हाइड्रोजनेशन के लिए काम में आता है, वॉस्कास कॉम्प्लेक्स है जो आपका हाइड्रोफॉर्मुलेशन के लिए काम में आता है, इरिडियम बेस्ड कॉम्प्लेक्स ये आपका रहता है।
फिर हमें शो करना था मेटल लिगेंड बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो किस टाइप का इसके अंदर अट्रैक्शन रहता है, स्टेबिलिटी कैसे रहती है। तो ये देखिए, ये मेटल है, ये आपके लोब्स है, डी इलेक्ट्रॉन या डी ऑर्बिटल्स है वैकेंट, एक्ट एज ए लेविस एसिड, और ये आपके लिगेंड के लोब पे फील्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्ट एज ए लेविस बेस। तो इसे हमें हर चीज को देख लेना है, ये आपका लेविस एसिड की तरह काम करेगा, सेकेंड पोर्शन आपका ये लेविस बेस की तरह काम करेगा, देन आफ्टर दिस ये जो बॉन्ड बनेगा वो उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन आफ्टर इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एक एग्जांपल आपको दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का, वो कौन सा दे रखा है आपको, H प्लस, यहाँ पे H प्लस एज ए सेंट्रल मेटल या लेविस एसिड की तरह काम करेगा, NH3 बेस की तरह काम करेगा, तो ये अपने लोन पेयर H के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर डोनेट करेगा। अब जरूरी नहीं कि ये डी ऑर्बिटल ही हो, कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, NH3 प्लस H प्लस के केस में ये H प्लस का जो S ऑर्बिटल है वो वैकेंट ऑर्बिटल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा आपके पास, NH4 प्लस, जो कि वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर रह गया और इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स, ये आपका स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और अगर इसका एग्जांपल देखना चाहे इसी टाइप का, तो वो हमारा था कोऑर्डिनेटेड जो कंपाउंड था, जस्ट हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे बना लेते हैं, कोबाल्ट NH3 6 Cl3। तो इसमें जो डायरेक्शनल नेचर है कौन सा है, सेकेंडरी वैलेंसी वाला डायरेक्शनल नेचर कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है, 6 है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इस कंडीशन में, अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इस स्लाइड के सारे पॉइंट कर लिए, ओके। अब पॉइंट ऑफ रिमेंबर हमें क्या रखना है, क्लोराइड आयन इन आयनोस्फेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स डू प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जो भी क्लोराइड आयन आयनोस्फेयर के अंदर होगी वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट रिएक्शन परफॉर्म करती है और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाती है। लाइक हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया है कोबाल्ट हेक्सा एक्वा, क्लोराइड के 3 एटम है, आपने AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो सिल्वर आयन Cl के साथ बाइंड अप होके 3AgCl बनाएगा जो कि प्रेसिपिटेट बनेगा इसका। तो प्रेसिपिटेट को हम नीचे प्रेसिपिटेट का सिंबल लगा लेते हैं, ये डाउन एरो, ये प्रेसिपिटेट आपके शो कर रहे हैं। इसी तरह आपका ये एग्जांपल रहेगा हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड, मार्कर को हमें सही से सेलेक्ट करना है, ग्रीन कलर में सही रहेगा। तो ये आपका रहेगा AgNO3 कोबाल्ट हेक्साएमीन 3+ एंड ये 3AgCl। तो क्या बने, ये प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए हमने डाउन एरो शो किया है। कॉपर सल्फेट, एक आपके पास कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट जो है वो वाटर के साथ एग्जिस्ट करता है, वाटर इसके साथ बाइंड अप होता है। तो देखिए कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कंडीशन में तो वाटर नहीं होता लेकिन कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखता है, तो कॉपर सल्फेट .H2O6, ठीक है। तो ये एक डबल सॉल्ट कहलाता है, डबल सॉल्ट कंपाउंड क्यों का है, जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है वो जब हम इसे डिजोल्व करेंगे वाटर के साथ एक्वा कंडीशन में तो ये डिजोल्व हो जाएगा, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वो जब कॉम्प्लेक्स को वाटर में आप डिजोल्व करोगे तो ये इंटरनल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वाटर डिजोल्व नहीं होगा, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच रहेगा। यही आपको डबल सॉल्ट नेचर समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर डिफरेंस कैसे करेंगे, आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर है या कोई भी सॉल्वेंट आपने रखा है, कंपाउंड फर्स्ट जो कि हमारा है कॉपर सल्फेट .H2O, इसको डिजोल्व किया, स्टर किया कंपाउंड को, तो इससे क्या हुआ कि इसके जो आयन्स थे कॉपर प्लस आयन एंड सल्फेट आयन एंड H2O मॉलिक्यूल में ये डिसोसिएट हो गया, ठीक। तो इसमें डबल सॉल्ट इसने बना दिया,
सॉल्ट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता था, आयनिक फॉर्म में था, तो ये आयन के अंदर डिसोसिएट हो गया इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर। बट हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया लाइक हेक्सा एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड, इसमें क्या हुआ कि जब हमने इसे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व किया तो ये एक कॉम्प्लेक्स पार्ट में डिसोसिएट हुआ और एक आयनिक पार्ट जो इसका था आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर 3Cl, तो 3Cl के अंदर डिसोसिएट हुआ। बट H2O जो है अभी भी कॉम्प्लेक्स का जो H2 है वो बाहर नहीं निकलता, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो यही है आपका, इसके अंदर ये नॉन आयोनाइजेबल H2O है, तो इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल डायरेक्शनल नेचर इसका परफॉर्म करती है, तो ये हमें चेक कर लेना है, सीख लेना है। फिर एक जनरल डिमोन्स्ट्रेशन है लाइक ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी याद रखने का, ये इम्पोर्टेंट आपका बोल सकते हैं आप समरी है एक तरह से, समरी कि अभी तक जो आपने पढ़ा उसको जस्ट प्राइमरी सेकेंडरी और कौन सा डायरेक्शनल है वो देख लेते हैं। ये आपके पास नॉर्मली कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में हमने क्या देखा कि दो पार्ट है इसके, ये वाला जो पार्ट है आयोनाइजेशन स्फीयर जो कि कहलाता है आपका प्राइमरी वैलेंसी जो कि मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन स्फीयर है प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी है नॉन डायरेक्शनल यानी बाहर वाली वैलेंसी जो है इसकी नॉन डायरेक्शनल रहती है, आयोनाइजेबल है जब भी आप इसे डिजोल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे 3Cl- आयन के अंदर इन एक्वियस फॉर्म के अंदर। तो इस पोर्शन से हमने देखा प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल रहता है, नॉन डायरेक्शनल है और आयन कौन से बनेंगे 3Cl-। ये जो है आपका पोर्शन ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेकेंडरी वैलेंसी भी इसको कहते हैं पूरी मेटल की, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है और ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं इसलिए ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को डिसाइड करते हैं, डायरेक्शनल नेचर है और आयोनाइज नहीं होते, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले वो नॉन आयोनाइजेबल है, तो ये कैटायनिक पार्ट के रूप में रहता है, ये पूरा का पूरा पार्ट कैटायनिक पार्ट के अंदर रहेगा आपका, तो ये यहीं पे सो गया कैटायनिक पार्ट, ठीक है कैटायनिन कॉम्प्लेक्स। तो दो टाइप की आपको वैलेंसी याद रखनी है, एक प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयोनाइजेबल है, एक सेकेंडरी वैलेंसी जो कि नॉन आयोनाइजेबल है, जो आयोनाइजेबल है वो आपका नॉन डायरेक्शनल है और जो नॉन आयोनाइजेबल है वो आपका डायरेक्शनल है, ठीक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट, इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ये वाला, इसमें से क्वेश्चन बनते भी है, टॉपिक है आपका टाइप ऑफ लिगेंड्स, इसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसे देखते हैं। टाइप ऑफ लिगेंड में सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड कौन से, सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर कौन से, एंड सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर कौन से, तो देख लेते हैं कौन कौन से डिफरेंस यहाँ पे हम बताना चाहते हैं। एक ऐसा लिगेंड होगा जो जिस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डायरेक्टली मेटल को डोनेट कर देगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड ओनली। इसने क्या किया, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली मेटल को डोनेट कर दिया है, ठीक है, वापस से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कौन कौन से लिगेंड है लाइक CH3- NH3 एक्वा H2O PR3 O2, ये कैसे लिगेंड है, सिंपली डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल और सिग्मा बॉन्ड ये क्रिएट करते हैं, तो ये अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था इसको हम जनरली क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपका मेटल टू लिगेंड आपके क्या रहता है, पाई बॉन्ड भी परफॉर्म बनता है, पहले सिग्मा बॉन्ड तो बना अब पाई डोनर भी है, मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जैसे हैलाइड आयन है, हैलाइड के पास ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी मेटल के डी ऑर्बिटल में डोनेट किए जाते हैं पाई बॉन्डिंग के द्वारा, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे लिगेंड को सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर लिगेंड, ठीक है, तो दे कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये आपके पाई डोनर भी कहलाते हैं। तीसरा टाइप क्या है कि सिग्मा डोनर तो है, मतलब आपका जो लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा ये मेटल के डी ऑर्बिटल से इसके इम्पर्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो पाई बॉन्डिंग बना रहा है, तो ये पाई एक्सेप्टर कहलाएगा,
तो इस टाइप के लिगेंड कौन कौन से, तो देखिए इसमें बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है. क्या आता है? बैक बॉन्डिंग. इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये. तो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट इसके अंदर आते हैं और काफी सारे क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग के ऊपर हमसे पूछे जाते हैं. तो इस टाइप के एग्जाम्पल में पहला था कार्बोनिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका रहने वाला है कार्बोनिल CO. देन आफ्टर नाइट्रो, नाइट्रोसिल, ये था थायोकार्बोनिल CS, ये साइनाइड एंड ये कार्बोनिल. तो लोअर एनर्जी ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, इसलिए ये इजीली मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाते हैं और पाई बॉन्डिंग इजीली इसके अंदर परफॉर्म हो पाता है. अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के ऊपर. तो क्लासिफिकेशन किस टाइप से करते हैं? क्लासिफिकेशन करने का जो मेन कैरेक्टर है वो है आपका डेंटेड. डेंटेड का अर्थ क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ लिगेंड एटम डेट अटैच टू मेटल आयन और एटम. लाइक एग्जांपल के द्वारा मैं बताता हूँ आपको. सपोज कीजिए कि आपके पास एक मेटल है और आपके पास कोई लिगेंड है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा आपके साइट अवेलेबल है जिसके द्वारा आप मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हो. लाइक हाइड्रोजन, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, ठीक है. इसके अंदर दो एटम्स ऐसे हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. तो अगर आपके लिगेंड में ओनली एक डोनर एटम है तो उस कंडीशन में आप इसे कहेंगे मोनोडेंटेड, यानी मोनोडेंटेड. अगर आपके एटम के अंदर, आपके लिगेंड के अंदर दो एटम डोनर है तो वो कहलाएगा आपका बाईडेंटेड, ठीक है. तो इस टाइप से आपको समझना है कि नंबर ऑफ लिगेंड एटम डेट अटैच टू मेटल आयन और एटम, उसके हिसाब से डेंटेड इसका नाम पड़ा है. तो देख लीजिए, मोनोडेंटेड मीन्स ओनली फॉर एक लिगेंड का पर्टिकुलर एक एटम ही मेटल से अटैच्ड है. तो ये भी दो टाइप का है, आपका न्यूट्रल लिगेंड, सेकेंड है एनायनिक लिगेंड. फिर है आपका बाईडेंटेड, जिसके अंदर दो आपके एटम प्रेजेंट होंगे लिगेंड में. ट्राईडेंटेड 3 एटम डोनर रहेंगे, टेट्राडेंटेड 4 एटम डोनर एटम की तरह रहेंगे, पेंटाडेंटेड 5 एटम डोनर एटम, हेक्साडेंटेड मीन्स 6 एटम्स रहेंगे आपके लिगेंड के अंदर एज ए डोनर. अब वन बाय वन हम इसकी स्टडी परफॉर्म करते हैं. तो पहले तो हमने ये देख लिया कि कितने टाइप के थे पढ़ने हैं हमें. मोनोडेंटेड पढ़ना है, बाईडेंटेड पढ़ना है, देन ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड. डोनेशन होने के बाद एक रिंग भी बनती है अपने पास, लाइक 1, 2, 3, ये 3 मेंबर रिंग बन रही है. तो वो कितने मेंबर की रिंग बनती है कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो हम उसे भी स्टडी करते जाएंगे. देख लेते अब न्यू केस, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड. तो ऐसे कौन से लिगेंड है जो न्यूट्रल है और सिर्फ उनका एक एटम ही, आपके लिगेंड का एक एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है? तो वो है आपका एक्वा. H2O को लिगेंड के रूप में एक्वा बोलते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल एंड NH3 अमोनिया को यहाँ पे बोलते हैं एमीन. तो ये नाम आपको स्पेसिफिकली याद रखना है. CS इसको कहेंगे थायो कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल और NS को थायो नाइट्रोसिल. एज ए इनके एक डिफरेंट नेम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब ये लिगेंड की तरह काम करते हैं. तो इन ये सभी आपके न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड कौन कौन से थे वो देखिए. ये आपका है मिथाइल एमीन, नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम काम करेगा, डाईमेथिल एमीन, ट्राईमिथाइल एमीन और ये नॉर्मल एमीन, ये सारे के सारे मोनोडेंटेड. PR3 ट्राई एल्किल फॉस्फाइन, PH3 फॉस्फाइन, मिथाइल फॉस्फाइन, डाईमिथाइल फॉस्फाइन, ट्राई एल्किल फॉस्फाइन, ठीक है. यह है आपका ट्राई फेनिल फॉस्फाइन, ट्राई हैलाइड फॉस्फाइन, लाइक PF3, PCl3, PH3As. यह आपका ट्राई फेनिल आर्साइन. क्या रहेगा ये? आर्साइन. ये भी आपका सिग्मा बॉन्डिंग के द्वारा मोनोडेंटेड लिगेंड है जो आर्सेनिक से मेटल को ज्वाइन करता है. फिर आपका एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल में
जो आपका नाइट्रोजन है वो एज ए डोनर एटम की तरह बिहेव करता है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ये रहता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अंदर इसे हमेशा याद रखिएगा, इस पे से क्वेश्चन कई बार पुट हो जाता है। फिर आपका ये हाइड्रोक्सिल एमिन, देन डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन या फिर डाई मिथाइल ईथर, डाई मैथिल ईथर, ये भी सारे मोनोडेंडेट लिगेंड है। फिर ये पायराजिन, इसका नाम अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख लीजिए पायराजिन। पायराजिन में भी या तो इस साइड से ये बॉन्डिंग करेगा मेटल के साथ या फिर इस साइड से बॉन्डिंग करेगा, लेकिन दोनों साइड से एक साथ बॉन्डिंग ये परफॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट आपको जो लिगेंड पढ़ना है वो था एनायनिक मोनोडेंड्रेट, इट मीन्स आपके लिगेंड के ऊपर चार्ज रहेगा कुछ, या तो माइनस एनायन बोला इसलिए क्या कैसा चार्ज रहेगा आपके पास माइनस, और इस कंडीशन में लिगेंड का जो नेम रहेगा उस नेम के अंदर हमको ओ जोड़ना पड़ेगा, कौन सा हिंदी में देखे तो ओ वर्ड हमको इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, लाइक एफ ई फ्लोराइड, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब एज ए लिगेंड इसको क्या पढ़ेंगे, फ्लोरो। जब भी हम कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम इसे पढ़ेंगे फ्लोरो। सी एल माइनस है तो क्लोरो, बी एल माइनस है तो ब्रोमो, आई माइनस आयोडो, ओके, ओ एच माइनस इसे पढ़ेंगे हाइड्रोक्सो, एच माइनस ये है आपका हाइड्रिडो, ओ एंड ओ के ऊपर माइनस टू चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑक्सो, इसे नाम से पढ़ते हैं। SO4 2 माइनस सल्फेटो, सल्फर के ऊपर माइनस टू चार्ज, इसको कहेंगे सल्फिडो। SO3 2 माइनस इसे कहेंगे सल्फिटो, सल्फेटो एंड सल्फिटो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। देन है आपका कार्बोनेटो, कार्बोनेटो CO3 एंड पूरे के ऊपर माइनस टू चार्ज है, यह आपका एसिटेटो CH3CO माइनस चार्ज, CN माइनस साइनो, NH2 माइनस है आपका इमिडो, N नाइट्रोजन पे माइनस थ्री चार्ज नाइट्राइडो, क्या इसका नाम नाइट्राइडो, एंड ये N3 माइनस चार्ज, ये है आपका एजिडो, एजाइड के ऊपर माइनस चार्ज, N3 क्या होता है आपका एजाइड, तो ये आपका एजिडो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए नाइट्रीन जो इंटरमीडिएट है उसकी प्रिपरेशन के लिए एजाइड का यूज किया जाता है। तो अब हमें पढ़ना है जो अपना पॉइंट रहेगा वो है आपका थायोसाइनेटो SCN, ये आपका हम इसे पढ़ेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड के अंदर, वहां पे हम बताएंगे कि आपका लिगेंड तो एक ही है लेकिन इस लिगेंड में पर्टिकुलर दो डोनर एटम प्रेजेंट है और दोनों में से किसी एक एटम के साथ ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करेगा, जिस एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करेगा उसके अनुसार इसका नाम पड़ेगा। अगर सल्फर के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा मेटल के साथ तो ये इसका नाम रहेगा आपका थायोसाइनेटो, अगर नाइट्रोजन एटम डोनेट कर रहा है मेटल को तो इस कंडीशन में इसका नाम रहेगा आइसोथायोसाइनेटो। तो इस तरह से ये कहलाते हैं आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड, जिसके बारे में स्टडी हम आगे करेंगे। देन आफ्टर आपका है कैटायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड, देखिए नाम के ऊपर जाइए, कैटायनिक यानी जो आपका लिगेंड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और मोनोडेंटेट है यानी उसके अंदर एक ही एटम एज ए डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा। देख लेते हैं लास्ट वर्ड हमें क्या लगाना पड़ेगा, ईएम, IUM, हिंदी में कहेंगे ईएम, लाइक NO, नाइट्रोसोनियम लिगेंड के नाम से जाना जाता है, NH4 प्लस अमोनियम, H3O प्लस हाइड्रोक्सोनियम एंड NO2 प्लस नाइट्रोनियम, तो ये सारे आपका कैटायनिक लिगेंड। कई बार इनके नाम जो है वो पेयर एंड मैच टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है या स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है, चार स्टेटमेंट है उसमें से कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग डालकर पूछेगा। फिर हम स्टडी करते हैं बाईडेंटेट लिगेंड के बारे में, बाईडेंटेट लिगेंड में हमारा जो जो एग्जाम्पल है इन, जो कि मोस्ट एग्जाम्पल है, टू डोनर एटम ऑफ लिगेंड अटैच टू मेटल, देखिए ये आपका सेंट्रल मेटल और इससे दो डोनर एटम, ये नाइट्रोजन वाला और ये नाइट्रोजन, इसको हम पढ़ेंगे, ये जो लिगेंड है ये है आपका एथिलीन डाइएमीन, पर्टिकुलर लिगेंड का नाम है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, ये एथिल एथिलीन और दो एमीन ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है तो ये बन गया एथिलीन डाइएमीन। जब ये मेटल के साथ अटैच होता है तो आपके पास एक रिंग परफॉर्म बन जाएगी, कौन सी रिंग, ये देखिए 1 2 3 4 5 तो ये 5 मेंबर की एक रिंग बन गई
तो पूछा जाता है कि ईन जो है वो मेटल के साथ कितने मेंबर का रिंग परफॉर्म करता है, तो ये है आपके 15 मेंबर रिंग बनाता है। देखिए 5 मेंबर रिंग प्रिपरेशन एबिलिटी 6, 7, 8 की तुलना में ज़्यादा रहती है। अगर कहीं पे 5 मेंबर की रिंग बन रही है तो वो पहले परफॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि चिलेटिंग रिंग डिपेंडिंग ऑन एंट्रोपी, एंट्रोपी के ऊपर फुली डिपेंड रहती है। जो 5 मेंबर रिंग है उसकी एंट्रोपी सबसे हाईएस्ट होती है, तो एस इंक्रीजिंग इट मीन्स एंट्रोपी इंक्रीजिंग, रिंग फॉर्मेशन एबिलिटी आल्सो इंक्रीजिंग। और 5 मेंबर रिंग की जो एंट्रोपी है वो क्या रहती है आपकी, हाईएस्ट रहती है, इसलिए 5 मेंबर रिंग आपकी जल्दी परफॉर्म होती है। अब है आपका ऑक्सिलेटो लिगेंड, ये भी आपका बाइडेंटेड है, कैसे रहेगा, COO माइनस अटैच टू COO माइनस, दो ऑक्सीजन एटम इसमें एज ए डोनर एटम की तरह बिहेव करेंगे और मेटल के साथ चिलेट करेंगे और 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 मेंबर आपकी रिंग बन गई। तो इसमें कितनी 5 मेंबर रिंग है, 15 मेंबर रिंग है। तो ये था आपका ऑक्सिलेटो, ठीक है। सेकेंड बाइडेंटेड लिगेंड है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ग्लाइसिनेटो, GLY इसका शॉर्ट फॉर्म है। ग्लाइसिनेटो में क्या होता है, एक NH2 है, एक CH2CO-, तो इसके अंदर जो दो डोनर एटम है, एक है नाइट्रोजन का N, NH2 का N, और एक है एसीटेट के O वाला पार्ट, O-, तो ये दोनों लिगेंड के एटम मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करते हैं, तो ये भी 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, देख लेते वापस से 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये 5 मेंबर आपके पास रिंग बन जाएगी। ग्लाइसिनेटो के बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और इसके भी अंदर से क्वेश्चन हर छोटे मोटे कंपेरेटिवली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने 5 मेंबर रिंग है इसके अंदर एंड कितने 6 मेंबर रिंग है। तो देखिए पहले जो है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो का जो स्ट्रक्चर वो देख लेते हैं। इसके अंदर आपका पहले आप ले लेते हैं सी डबल बॉन्डेड टू एन ओ, ठीक है, बॉन्डेड सी डबल बॉन्डेड टू एन ओ और दोनों कार्बन के ऊपर मिथाइल, तो ये हो गया आपका डाइमिथाइल। देन ग्लाइऑक्सीमेटो, तो ये आपका हो गया ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। तो माइनस चार्ज रहता है, तो माइनस चार्ज को सैचुरेट करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके ऊपर प्लस एच इसके पास में आ जाते हैं, तो इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट स्केलेटल फॉर्म में, ये दो एल्किल या आप बोल सकते हो इसको मिथाइल, एंड देन डबल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन बॉन्डेड टू OH, इधर भी नीचे डबल बॉन्डेड टू N बॉन्ड टू OH। ये जब मेटल के साथ चिलेशन शो करते हैं, लाइक निकल के साथ एक कॉम्प्लेक्स है निकल DMG2, निकल DMG2 मॉलिक्यूल है, तो ये निकल सेंट्रल मेटल, एंड देन आफ्टर इसमें जो डोनर साइट है वो दोनों डोनर साइट कौन सी है, नाइट्रोजन की रहेगी, और जो ऑक्सीजन वाले एटम्स है वो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अरेंज रहते हैं, और सेकंड ऑक्सीजन के एच के साथ एक लिगेंड का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। पहले वाला ये आपका डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो शो किया, जो कि निकल के साथ दोनों नाइट्रोजन एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर रहा है, तो कितने मेंबर का रिंग बना, 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर का एक रिंग। इसी टाइप दूसरा 5 मेंबर का ये रिंग, ये एक OH और इसके जस्ट अपोजिट OH यहाँ पे, ये एक OH, सेकंड फर्स्ट वाले का DMG का ये O- यहाँ, तो इसके अपोजिट यहाँ पे O- यहाँ, ठीक है, फर्स्ट का O- सेकंड के OH से बॉन्डिंग शो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी तरह फर्स्ट का एच सेकेंड के O- से बॉन्डिंग शो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या हुआ, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो 5 मेंबर रिंग है, दो 6 मेंबर रिंग भी है, देख लेते 6 मेंबर रिंग कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये दो आपकी 6 मेंबर रिंग है, तो ये 2, 6 मेंबर रिंग, 2, 5 मेंबर रिंग, ये आपकी 5 मेंबर रिंग थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी ये 5 मेंबर रिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 मेंबर, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2, 5 मेंबर रिंग एंड 2, 6 मेंबर रिंग इसमें परफॉर्म होती है। 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहता है, जैसा अभी हमने देखा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देखा, ओके, ये वाला पोर्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इसके अंदर, और निकल नाइट्रोजन बॉन्ड कितने थे, 4, मोर स्टेबल है, क्यों,
क्योंकि चिलेटिंग लिगेंड या चिलेटिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर परफॉर्म हो रहा है, तो ड्यू टू चिलेटिंग लिगेंड एंड चिलेटिंग स्ट्रक्चर ये बहुत ही स्टेबल है। फिर आपका जो लिगेंड है वो है आपका एसिटिल एसिटिनेटो, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ACAC माइनस चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉर्म में ये कहीं पे भी लिखा होता है और पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने कितने डेंटेट लिगेंड है, ये दो बाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट, तो ये एग्जैक्ट आंसर इसका रहेगा बाइडेंटेट लिगेंड। रहता है क्या ये CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अगर ये स्ट्रक्चर याद नहीं रह रहा तो इसका छोटा फॉर्म जो है वो हम ऐसे याद रखते हैं CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड देन इसे थोड़ा यहाँ खिसका लीजिए बॉन्ड CH3। ओके ये क्या रहता है, अब इसमें से ये अगर एक H यहाँ से आप निकाल दो, एसिडिक H को आप यहाँ से रिमूव कर दो, तो आपके पास बन जाएगा कीटोन फॉर्म में डबल CH बॉन्ड CO बॉन्ड CH3 और ये आपके पास रहेगा माइनस चार्ज। अब ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो ये माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा बनेगा। ये देखिए माइनस यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है देख लो, हाइलाइटर यूज ले लेते हैं। ओके तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, यहाँ पे कोई बेस हमने यूज किया है, तो बेस क्या करेगा एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एसिडिक प्रोटॉन कौन है ज़्यादा यहाँ पे, ये बीच वाला, तो एसिडिक प्रोटॉन को बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपके पास लास्ट में ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे आया और कैसे याद रखना उसका तरीका था, ये आपका था डाईएथिल डाईकार्बोनिन मेथिलीन का स्ट्रक्चर है, या फिर ये इसको आप कह सकते हैं एसिटिल मैथिल कीटोन के नाम से आप इसे जान सकते हैं, ये पूरा एसिटिल मैथिल कीटोन आप इसे जान सकते हैं। तो ठीक है, इसका नाम था आपका एसिटिल एसिटो एसिटेनेटो ACAC जो कि बाइडेंटेट लिगेंड है। अब एक और बाइडेंटेट लिगेंड है आपका, उसका क्या नाम है बायपीरिडिन, ये आपका बायपीरिडिन शॉर्ट फॉर्म है इसका BPY, BPY से इसे याद रखना है। ये आपका स्ट्रक्चर है इसका, एक पीरिडिन का एंड अटैच एज ए डोनर की तरह काम करेगा और ये इसका ऑर्थो पोजिशन है, वो अटैच होगा सेकंड पीरिडिन के कार्बन से और सेकंड पीरिडिन का नाइट्रोजन भी डोनर आइटम काम करेगा, तो मेटल के साथ ये भी एक 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। फिर अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है 110 फिनोन्थ्रोलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी पूछा जाता है 110। ये देखिए जस्ट जो आपने अभी स्ट्रक्चर बनाया था इसमें एक एथिलीन यूनिट को हम जोड़ दें यहाँ पे एथिलीन यूनिट को, तो आपके पास बन जाएगा 110 फिनोन्थ्रोलिन लिगेंड आपके पास बनेगा। और इसके अंदर भी आपके दो डोनर साइट रहते हैं नाइट्रोजन, जो कि मेटल के साथ 5 मेंबर रिंग बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है डायस, डायस में क्या रहता है आपके बेंजीन के साथ दो आर्सेनिक जुड़े रहते हैं और दोनों आर्सेनिक सब इंस्टीट्यूटेड रहते हैं यानी डाई मिथाइल है, तो नाम है इसका ऑर्थो फेनिलिन बिस मिथिल आर्सिन। ओके ऑर्थो फेनिलिन बिस यानी कि दो ऑर्गेनिक मॉइटी है आपके पास मैथिल आर्साइन, तो इसको कहते हैं हम शॉर्ट के अंदर डायर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट ये है कि मेटल लिगेंड बाइडेंटेट कॉम्प्लेक्स जब भी फॉर्म होते हैं और अगर वो कॉम्प्लेक्स आपका 3 मेंबर या 4 मेंबर कॉम्प्लेक्स है तो वो हाईली अनस्टेबल है ड्यू टू स्ट्रेन, ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स विथ 4 मेंबर और 3 मेंबर रिंग आर वेरी अनस्टेबल, ये आपके फॉर्म नहीं होंगे, जनरल फॉर्म के अंदर फॉर्म ही नहीं बनते। तो ये फोर मेंबर स्ट्रैंड कैसे रहता है, ये दोनों के बीच में स्ट्रैंड है, 3 मेंबर में इन दोनों बॉन्ड के बीच में ज़्यादा स्ट्रैंड है, तो उसके कारण ये दोनों फॉर्म नहीं होते। फिर है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट का टॉपिक, जैसे एग्जाम्पल लिया इफ मेटल आयन साइज इज लार्ज, अगर मेटल की साइज लार्ज है, सेंट्रल मेटल आयन लार्ज है, तो उस कंडीशन में आपके
ट्रिपल या थ्री मेंबर रिंग या फोर मेंबर रिंग आपके मेटल के साथ लिगेंड क्रिएट करता है। एग्जांपल के लिए हमारे पास है सीरियम, हेक्सा, ये है आपका नाइट्राइट और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2- चार्ज है और ये जो नाइट्राइट है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये अपने ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की साइड से लिगेंड के साथ अटैच्ड रहता है। तो सीरियम प्लस फोर एक लेंथेनर्ड आयन है जो कि हाईली बड़े साइज का एटम है, तो NO3- बाइडेंटेड की तरह इसमें बिहेव करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 12। अब ये 12 किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेंटेड साइट अवेलेबल इन द लिगेंड्स। तो ये लिगेंड तो कितने टोटल 6, तो यहाँ पे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, लेकिन नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्यों हो रहा है, क्योंकि एक NO2 के दो साइट अवेलेबल है, दो उसके अंदर साइट है डोनेशन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो इसीलिए ये आपका रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अब है अपना ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड में हमारा जो पहला एग्जांपल है वो टर्पिरिडिन, या हम इसको टेट्रापिरिडिन भी बोलते हैं, 2-2-2-2" 2-2'(2″), अगर नाम याद रखना था 2-2'(2″), टर्पिरिडिन, इसका शॉर्ट फॉर्मेट TERPY, टर्पिरिडिन। ये मेटल के साथ 2-5 मेंबर रिंग बनाता, देखिए मेटल तीनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, तो जो रिंग बन रही है वो देखते हैं 1-2-3-4-5, तो ये एक साइड 5 मेंबर की रिंग बन रही है, सेकंड साइड भी 1-2-3-4-5 मेंबर के, दो 5 मेंबर की रिंग बन रही है, तो ये पूछा जाता है कि कितने मेंबर की रिंग बनती है। फिर ट्राइडेंटेड लिगेंड में अपना एग्जांपल है डाई इन या एथिलीन, डाई एथिलीन, डाई ये ट्राई इन के नाम से भी इसको आप जान सकते हो, लाइक कैसे डाई एथिलीन 1-2, ये डाई एथिलीन, एक एथिलीन ये, एक एथिलीन ये, ठीक है, और फिर डाई एमीन, तो 1-2 इधर और ये 2 इधर, तो ये हो जाएंगे आपके डाई एथिलीन डाई एमीन। ओके, ये भी जब मेटल के साथ अटैच रहता है तो आपके पास एक 5 मेंबर का रिंग बनाएगा और एक आपको बनाएगा 5 मेंबर के दो रिंग बनाएंगे, इसमें भी 5 मेंबर के कितने रिंग बनेंगे 2, तो 2-5 मेंबर रिंग इसमें भी फॉर्म होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है आपका टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड में ट्राई इन याद रखना है, मतलब आपको 3 एथिलीन चैन बनानी है जो कि आपस में अटैच होते, 1-2-3 ट्राई एथिलीन की चैन बनाइए और सभी के अंदर नाइट्रोजन को कॉमन रखिए, जैसे पहला नाइट्रोजन तो टर्मिनल पे है कोई बात ही नहीं, सेकंड नाइट्रोजन दो एथिलीन यूनिट के बीच में एज ए ब्रिज का काम करेगा, थर्ड नाइट्रोजन भी दो एथिलीन के बीच में ब्रिज का काम करेगा, फोर्थ नाइट्रोजन जो इसमें है वो टर्मिनल नाइट्रोजन रहेगा, तो टोटल जो एथिलीन यूनिट है उसके नाम पे पड़ा ये ट्राई इन, मतलब इसके अंदर 3 आपके पास कह सकते हो कि 3 आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन डाइएमीन की दिखाई दे रही है, 1, 2 और ये 3, तो जब ये आपके लिगेंड को बाइंड अप करेगा, चिलेट करेगा, तो इसमें भी 3-5 मेंबर रिंग आपको बनेगी, कितनी 3, कौन कौन सी देख लीजिए 1-2-3-4-5, तो ये 5 मेंबर रिंग बन गई, 1 इसी तरह ये 2 ये 3। फिर है आपका EDDA एथिलीन डाइएमीन डाइएसिटेट, इसका क्या नाम है एथिलीन डाइएमीन डाइएसिटेट, इसके अंदर भी आपके पास 4 डोनर साइट प्रेजेंट रहती है, 2 नाइट्रोजन की और 2 ऑक्सीजन की, ये देखिए यहाँ पे ये आपके पास है एथिलीन डाइएमीन, तो एथिलीन का ये एक स्ट्रक्चर, डाइएमीन ये एक एमीन, फिर डाइएसिटेट तो ये एसिटेट CH2CO-CH2CO-, तो जो डोनर साइट है वो कौन कौन सी है देख लेते एक बार, ये नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन का N, सेकेंड नाइट्रोजन का N, दूसरे फर्स्ट एसिटेट का O और सेकेंड एसिटेट का O, यानी टोटल डोनर साइट कितनी है 4 डोनर साइट है, और इसके अंदर आपका कितने मेंबर की रिंग है वो देख लेते हैं, 1-2-3-4-5, तो फर्स्ट रिंग है 5 मेंबर की, सेकेंड 1-2-3-4-5, सेकेंड भी 5, थर्ड 1-2-3-4-5, यानी कि तीनों के तीनों
आपके 5 मेंबर के 3 रिंग है। फिर हमको नेक्स्ट लिगेंड का स्टडी करना है, वो है आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट में कितने डोनर एटम रहेंगे लिगेंड के अंदर? 5। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका? टेट्राइन। इट मींस 4 आपको एथिलीन यूनिट बनानी है जो आपस में कनेक्टेड रहे। क्या रहे? आपस में कनेक्टेड रहे। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 एथिलीन यूनिट आपस में कनेक्टेड रहेगी, तो आपको बन जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ये देखिए, ये आपका टेट्राइन, ये मेटल, ये फर्स्ट एथिलीन यूनिट NH2 टर्मिनल पे, ये नाइट्रोजन आपका, देख सकते हैं आप, 2 एथिलीन के बीच में कॉमन रहेगा, तो ये आपका नाइट्रोजन कॉमन है, फिर ये नाइट्रोजन कॉमन, ये कॉमन, और लास्ट नाइट्रोजन आपका टर्मिनल पे रहेगा। तो ये बन गया आपका 1, 2, 3, 4, तो टेट्रा एथिलीन डाइएमिन का स्ट्रक्चर ये आपको है। मेटल यहाँ पे इनकैप्सुलेट हुआ, डोनर साइट कौन कौन से थी, कितनी साइट है डोनर की? टोटल 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 4, 5 मेंबर के रिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो 4, 5 मेंबर रिंग। फिर हम चलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड के ऊपर। हेक्साडेंटेड मीन्स आपके लिगेंड के अंदर 6 डोनर एटम प्रेजेंट होंगे। कितने? 6 डोनर एटम प्रेजेंट। UDTA, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट, फुल फॉर्म क्या था? एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये एथिलीन है, ये डाइएमिन है, टेट्रा एसीटेट, ये एक एसीटेट, ये सेकेंड CH2CO-, ये थर्ड CH2CO-, ये फोर्थ, तो ये टोटल हो गए टेट्रा एसीटेट। आपका एग्जाम्पल है EDTA, EDTA का फुल फॉर्म रहेगा आपके पास एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन आपकी ये यूनिट, डाइएमिन 2 नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेट ये देखिए एक एसीटेट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। अब इसके अंदर कितने डोनर साइट है? 6 डोनर साइट है, 2 नाइट्रोजन के, 4 ऑक्सीजन के एसीटेट, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, तो EDTA 4- आयन या कॉम्प्लेक्स के रूप में, सॉरी आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। जब ये किसी मेटल को बाइंड करता है तो हाईली चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि मोस्ट स्टेबल रहता है, वाटर सॉल्युबल रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है? मेटल मैग्नीशियम, कॉपर और निकल को बाइंड अप करना है, जो सेंट्रल मेटल है। ये आपका एक चिलेटिंग लिगेंड है, ये नाइट्रोजन के 2 आपके बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, और 4 ऑक्सीजन आपके यहाँ पे बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। बनाते कैसे? बनाने के लिए अगर आपको ये कभी जरूरत पड़ जाए तो सेंट्रल मेटल बना लीजिए पहले आप, जनरली मेटल, फिर एथिलीन यूनिट बना लीजिए, नाइट्रोजन लिख लीजिए, बॉन्डिंग बना लीजिए। अब इसके साथ एक साइड से बनाते जाइए ऑक्सीजन, थोड़ा सा कैनवास और बोर्ड को सेंटर में लाते हैं। चलिए यहाँ पे ये आपका बन गया ऑक्सीजन, देन ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज वाला, ये यहाँ पे एक बॉन्ड बॉन्ड हो गया, ये सेकेंड आपका एसीटेट का ऑक्सीजन, सॉरी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स, आपने CH2 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हमने, तो इसको वापस से सही कर लेते हैं। पहले हम CH2 बनाएंगे, देन O बनाएंगे, इसको यहाँ लीजिए, ये डबल बॉन्डेड O, ये O माइनस, अब इसकी बॉन्डिंग शो करते जाइए, तो आपके पास इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कितने 4 मेंबर की रिंग हुए थे? 4 ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट रहेगा, 2 नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट रहेगा इसके अंदर, 5 मेंबर रिंग आपको मिलेगी, 5 मेंबर की 5 रिंग आपको मिलेगी, 5 मेंबर रिंग कौन कौन सी देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका एक मेंबर, एक रिंग हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये थी आपके 5 मेंबर रिंग। EDTA का यूज क्या रहता है? तो EDTA हम यूज करते हैं मेटल्स आयन को जहां से निकालना होता है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से या हमारे शरीर से, लाइक कैल्शियम प्लस 2 को हार्ड वाटर से हमें एलिमिनेट करना है। ये था आपका हार्ड वाटर,
कैल्शियम 2 को अगर हार्ड वाटर से निकालना है तो EDTA का आप यूज करेंगे। EDTA के साथ कैल्शियम यहाँ पे कैप्सुलेट हो जाएगा जो कि वाटर सॉल्युबल के रूप में आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कैल्शियम प्लस 2 को बाहर निकाल सकते हैं। फिर आपका EDTA यूज्ड टू रिमूवल ऑफ पॉइजनिंग मेटल, कौन कौन से मेटल है पॉइजनिंग, लेड, आर्सेनिक एंड कैडमियम ETC को बॉडी से निकालने के लिए आप EDTA का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है लाइक हमने लिया लेड 2+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके बॉडी में ज्यादा हो जाए, अगर बॉडी के अंदर Pb2+ इंक्रीज हो जाए तो आपकी डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है, डेथ। तो उस कंडीशन में बचने के लिए हम EDTA कॉम्प्लेक्स को एज ए मेडिसिन के रूप में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं EDTA 4- के रूप में। तो ये क्या, मेकिंग चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, ये इस टाइप से पूरा एक कॉम्प्लेक्स चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जो कि आपके ब्लड के अंदर वाटर सॉल्युबल, ब्लड के अंदर सॉल्युबल होकर किडनी में जाएगा। किडनी में जाने के बाद क्या बनेगा आपका, ये कि लेड प्लस टू आयन फॉर्म वेरी स्टेबल फ्रॉम EDTA 4- मेकिंग ए चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड एंड टिश्यूज। कैसे टिश्यू से रिमूव होगा, एक्सर्टेड फ्रॉम बॉडी विद द हेल्प ऑफ किडनी। किडनी इसमें ब्लड में से आपके Pb+2 का EDTA कॉम्प्लेक्स को बाहर निकाल देती है जो कि वाटर सॉल्युबल रहता है और यूरिन सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, अब हमें स्टडी करना है एम्बीडेंटेड लिगेंड जिसके बारे में हम पहले भी आपसे बता रहे थे। एम्बीडेंटेड लिगेंड में क्या होता है, एक ही लिगेंड में दो डोनर साइट अवेलेबल रहती है पर एक टाइम में एक डोनर एटम ही आपके मेटल से अटैच्ड रहता है। टू और मोर डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड कोऑर्डिनेट टू मेटल आइदर टू डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट एटम में से किसी के भी साथ कोऑर्डिनेट हो सकता है। टू डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म, तो दो कंपाउंड फॉर्म करता है लाइक अगर मेरे पास साइनाइड है तो साइनाइड के अगर सी से मेरा मेटल अटैच्ड है तो एक कंपाउंड बनेगा, अगर साइनाइड के एन से मेरा मेटल अटैच्ड है तो सेकेंड कंपाउंड बनेगा। तो टू डिफरेंट कंपाउंड आर फॉर्म, तो वो रहेगा आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड आपके हो जाएंगे। इनको हम कहते हैं लिंकेज आइसोमर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे लिंकेज आइसोमर क्या होते हैं कि जनरली उनके अंदर लिगेंड तो सेम रहते हैं बट लिगेंड का जो बाइंडिंग एटम है वो डिफरेंट रहता है। लाइक हम इसको देखते हैं, इसमें क्या है, मेटल साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ और कौन सा डोनर साइट है, कार्बन, तो वो कहलाएगा आपका साइनाइड। अगर मेटल नाइट्रोजन से जुड़ा है साइनाइड के तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन डोनर साइट है कॉम्प्लेक्स में, तो उस समय हम इसका नाम रहेंगे आइसोसाइनाइड। एक कॉम्प्लेक्स में साइनाइड नाम है, साइनाइड वाले में कार्बन डोनर साइट की तरह बिहेव करेगा, एक में आइसोसाइनाइड नाम है जिसमें नाइट्रोजन डोनर साइट की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह आपका NO2 होता है, अगर नाइट्रोजन एज ए डोनर है तो उसका नाम रहेगा नाइट्रो, अगर ऑक्सीजन एज ए डोनर है तो उसका नाम रहेगा नाइट्रिटो। उसी तरह एक रहता है आपका थायोसाइनेट, थायोसाइनेट में अगर सल्फर एटम अगर मेटल के साथ अटैच्ड है एज ए डोनर तो उसका नाम है थायोसाइनेट, अगर नाइट्रोजन एटम अटैच्ड है मेटल के साथ तो उसका नाम है आइसो थायोसाइनेट। इनमें से पर्टिकुलरली एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट टाइप में या नॉर्मल ऐसे भी, तो इससे हमें टेबल को या पर्टिकुलर इस बॉक्स को याद रखना ही है। तो अब मेन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि लिंकेज आइसोमर को आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, कि इस आपके लिगेंड का कौन सा पर्टिकुलर मेटल, पर्टिकुलर एटम मेटल के साथ अटैच्ड है ये कौन बताएगा, तो ये बताएगा आपका IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रा में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो डिफरेंट लिंकेज आइसोमर डिफरेंट स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी शो करते हैं। अगर ये MnO2 की ही बात करें, अगर नाइट्रोजन अटैच है मेटल के साथ तो उस कंडीशन में इसका IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी लो रहेगी, अगर ऑक्सीजन अटैच है तो IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी, कलर येलो रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमको कलर डिफरेंट मिलेंगे आपको, जिसके IR स्पेक्ट्रा अलग मिलेगा, वेव लेंथ उसकी अलग मिलेगी। देख लेते हैं, नीचे हमने डिस्क्राइब किया है इसको, ये देखिए IR स्पेक्ट्रा फॉर लिंकेज आइसोमर,
नाइट्रो लिगेंड प्रेजेंट है आपकी कॉम्प्लेक्स में लाइक कोबाल्ट, पेंटामिन, NO2 एंड 2+ चार्ज है। इसमें N मैंने पहले लिखा है, इट मींस नाइट्रोजन एज ए डोनर साइट प्रेजेंट है। सेकंड हमारे पास था नाइट्रिटो लिगेंड, डोनर आइटम वो था कोबाल्ट, पेंटामिन एंड ONO, इसमें नाइट्रिटो ऑक्सीजन इसमें एज ए डोनर आइटम की तरह वर्क कर रहा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज। ये येलो कलर में रहता है, ये रेड कलर में रहता है। अगर इसकी IR फ्रिक्वेंसी हम चेक करें तो IR फ्रिक्वेंसी इसकी क्या रहती है, लो रहती है। न्यू बार वेव नंबर जो है IR फ्रिक्वेंसी कहे या हम IR स्पेक्ट्रा के अंदर जो हमारा ग्राफ है वो चलता है वेव नंबर एंड एब्जॉर्प्शन के ऊपर, तो वेव नंबर इसका लोअर रहेगा। क्यों लोअर रहेगा, कि नाइट्रोजन आइटम कोबाल्ट के साथ अटैच है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोअर एनर्जी के ऊपर ही इसका स्ट्रेचिंग शो करेगा। और इसके लिए अगर स्ट्रेचिंग वेव नंबर शो है कम है या एनर्जी कम है तो आप कह सकते हैं उसका वेव लेंथ मैक्सिमम रहेगा। सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, और ये पूरा का पूरा ट्रिक कैसे याद रखेंगे हम, हमारे पास जो हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में OMC के अंदर स्टडी किया था, बॉब्स VS अपॉन BBBL, तो बॉब्स मीन्स बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, न्यू मीन्स स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी या वेव नंबर, एस मीन्स स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग एंड बॉन्ड लेंथ। तो इसमें आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड और भी आता है, जब हमने इसको इस फॉर्मूले को एक्सटेंड किया था तो वो था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फॉर्मूला एक्सटेंड करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी आपका जो न्यू है वो किस पे प्रोपोर्शनल करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन कम है किसकी तुलना में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन आपकी ऑक्सीजन की तुलना में लेस रहती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स की जिसमें डोनर आइटम एन है उसकी IR फ्रिक्वेंसी लो रहेगी, सेकंड जिसमें डोनर आइटम ओ है उसकी IR फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी। और अगर IR फ्रिक्वेंसी हाई है तो डेफिनेटली उसके लिए लैम्डा मैक्स लोअर रहेगा। क्यों, क्योंकि न्यू और लैम्डा मैक्स हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ये भी आपको पता होगा कि न्यू बार एंड लैम्डा मैक्स हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, तो इससे भी हमें देख लेना है। तो अगर ये हाई है तो ये आपका लो रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा आपका नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं। ओके, नोमेनक्लेचर के लिए जो पॉइंट हमें पहले रिमेंबर रखने, कुछ रूल्स है, उस रूल्स के बारे में हम देख लेते हैं। सम पॉइंट है इसके, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपके लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है तो उसके नेमिंग के लास्ट में आपको ओ वर्ड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना हमें, ओ। ओके, तो आपको ओ लगाना पड़ेगा। लाइक एग्जांपल के से हम समझते, एफ है फ्लोराइड, इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो हमें इसको रीड करेंगे फ्लोरो, क्लोराइड क्लोरो, बी आर माइनस ब्रोमो, आई माइनस आयोडो, ओ एच माइनस इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सो। अगर एक लिगेंड और है वो है अपने पास एच माइनस, इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रिडो, हाइड्रिडो। ओके, तो लिगेंड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमें लास्ट में लगाना ओ। अब अगर लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके एंड में हमें लगाना है ईएम, आई यू एम, ईएम लाइक H3O+ हाइड्रोक्सोनियम आयन है ये, NH4+ ये था अमोनियम, NO+ इसे पढ़ेंगे हम नाइट्रोसोनियम। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमें हमें क्या पढ़ना है, थर्ड पॉइंट को थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, इसमें देखना है अगर हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा या कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ऑन द कॉम्प्लेक्स, तो जो कॉम्प्लेक्स कैटायन हम इसे कहते हैं, तो लास्ट वर्ड हम मेटल के अंदर क्या ऐड करेंगे, लास्ट वर्ड इज सिमिलर रहेगा आपका मेटल का। लाइक क्रोमियम मेटल है तो क्रोमियम ही इसको रीड करेंगे या राइट करेंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, निकल है तो निकल ही रीड करेंगे, आयरन है तो आयरन ही इसे हम राइट करेंगे। अगर हमारे फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर
अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स, तो आपके मेटल का जब आप नेमिंग करेंगे तो उसके लास्ट में 8 जोड़ देंगे, क्या होगा, ATE को आपको सुफिक्स के रूप में लगाना पड़ेगा, एज ए सुफिक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, लाइक क्रोमियम है तो ATE इसके अंदर सुफिक्स यूज करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास क्रोमेट, आयरन है तो फेरेट, फेरस है तो फेरेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, टिन स्टेनस है तो स्टेनेट, निकल है निकलेट, सिल्वर को पढ़ते अर्जेंटाइन तो अर्जेनेट, अर्जेंटेट, लेड प्लम्बेट एंड ऑरम ऑरेट। तो इस टाइप से आपको लास्ट वर्ड में क्या ऐड करना है, ऐड करना है ATE को ऐड करना। फिफ्थ पॉइंट है इसका, अगर आपके लिगेंड की जो नंबर्स है वन या वन से ज़्यादा है, वन मोर देन वन है, तो उसमें हमें प्रूफिक्स लगाना पड़ता है, और वो जो प्रूफिक्स है वो कुछ फॉलोइंग टाइप्स है, टू के लिए आपको लगाना है डाई, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए टेट्रा, फाइव के लिए पेंटा, सिक्स के लिए हम लगाएंगे हेक्सा। तो ये जनरली हमें याद ही रहता है, टू मीन्स डाई, थ्री ट्राई, फोर टेट्रा, फाइव पेंटा, सिक्स हेक्सा। सेवन है तो हेप्टा, एट के लिए ऑक्टा, नाइन के लिए नोना, टेन के लिए डेका, इलेवन के लिए अनडेका एंड ट्वेल्व के लिए डोडेगा। हमें ट्वेल्व नंबर तक ही याद रखना, उससे ज़्यादा हमें एग्जाम के लिए हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं है। सिक्स पॉइंट हमें याद रखना है, सिक्स पॉइंट जो है बड़ा कर लेते इसे, ओके। देखिए सिक्स पॉइंट में हमें रीड करना है कि बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड अगर है और उसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट है या वो ऑर्गेनिक लिगेंड है, तब हम डाई या ट्राई को यूज ना करके कौन से वर्ड यूज करेंगे, बिस ट्रिस टेट्राकिस, दो है तो बिस, तीन है तो ट्रिस, चार है तो टेट्राकिस, पांच है तो पेंटाकिस एंड सेट छह है तो हेक्साकिस। तो इस टाइप से सिक्स पॉइंट हमें याद रखना है। सेवन पॉइंट ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में बताता है कि इफ ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट इन कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स, तो प्रीफिक्स हमें यूज करना म्यू या फिर म्यू टू भी लिख सकते हैं हम, म्यू थ्री, म्यू फोर, म्यू फाइव। देखिए म्यू टू मीन्स दो मेटल के बीच में आपका लिगेंड एग्जिस्ट करता है, म्यू थ्री थ्री मेटल के बीच में, म्यू फोर फोर मेटल के बीच में, म्यू फाइव फाइव मेटल के बीच में। अगर डायरेक्ट सिर्फ म्यू लिखा हुआ है किसी जगह तो उसको आपको समझना है म्यू टू के बराबर, इट मीन्स वो दो मेटल के बीच में एग्जिस्ट करता है। देखिए तो एग्जाम्पल इसका था, पहला मेटल है और मेटल के बीच में दो कार्बोनिल एज ए ब्रिजिंग है, तो हम इसके नेम कैसे करेंगे। अब दो कार्बोनिल पार्ट है तो हम लिखेंगे इसको बिस म्यू टू, इसमें कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग पर है कार्बोनिल, तो इसे हमें सिर्फ इस वाले पार्ट का हमने नेमिंग किया, बाकी मेटल का नेमिंग नहीं किया है, वो जब पूरा कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसके अंदर समझेंगे। ये देखिए नेक्स्ट हमने एक पूरा कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें आयरन के बीच में थ्री कार्बोनिल एज ए ब्रिजिंग के ऊपर एग्जिस्ट है और थ्री थ्री कार्बोनिल उनके टर्मिनल के ऊपर है, तो इसका नाम रहेगा पहले ट्राई, इट मीन्स ये थ्री आपके कार्बोनिल है, म्यू टू कंडीशन में है इट मीन्स ब्रिजिंग में, ट्राई म्यू टू कार्बोनिल एंड देन ये जो पूरा पार्ट है ये डबल है इसका, देखिए ये पार्ट यहाँ पे है, तो हम इस पार्ट का नेमिंग करेंगे और उसके आगे हम क्या लगा देंगे, देखिए हेक्सा कार्बोनिल, तो ये थ्री कार्बोनिल और ये थ्री कार्बोनिल छह हो गए तो सिक्स हेक्सा कार्बोनिल, डाई आयरन ये वन एंड टू आयरन और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है जीरो, तो ये पूरा इसका नेम बन गया। तो इस तरह से हमें याद रखना। फिर नेक्स्ट है, अब हमें एग्जाम्पल से बस समझ लेना है इन्हें कि अभी तक हमने जो सेवन पॉइंट रिमेंबर किए उसे कैसे अप्लाई करना है। तो सेवन पॉइंट अभी हमने जो देखे उसे अप्लाई करके नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वापस से बता देता हूँ कि इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन हमें पर्टिकुलर नहीं पूछा जाता, बट हमें अपने सिक्योरिटी के लिए हम इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं ताकि अपकमिंग लेक्चर के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स का नाम सही से पता हो। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है NiCO4, इट मीन्स इसके अंदर पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन अल्फाबेटिकली मेथड, लिगेंड फर्स्ट एंड देन आपको मेटल का नाम यहाँ पे शो करना है। तो पहले लिगेंड का नाम लिखो, अगर दो
लिगेंड है तो उस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ रहा है। तो इसमें तो एक ही टाइप का लिगेंड है, सिर्फ कार्बोनिल है, वो भी कितने, टेट्रा। तो टेट्रा कार्बोनिल देन मेटल निकल देन उसके बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे ये जीरो ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जिस्ट करता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स है आपके पास कोबाल्ट, हेक्सामिन और Cl3। अब बात बता दूं, आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर जितने भी आपके एटम्स है उसके प्रीफिक्स हमें यूज नहीं करना। जैसे यहाँ पे ये 3Cl3 है, Cl3 है, तो हमें प्रीफिक्स में आप ट्राइक्लोराइड हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ओनली फॉर क्लोराइड ही हमको यहाँ पे लिखना है। ये पॉइंट भी आपको रिमेम्बर रखना है। अब इसका नाम क्या लिखेगा, पहला लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का पार्ट है, कैटायनिक पार्ट, पहला लिगेंड लिख लेते हैं। तो हेक्सामिन, फिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसके नेम, जो मेटल का नेम है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। हेक्सामिन, कोबाल्ट थर्ड कंडीशन है एंड क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे क्लोराइड, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्क्राइब किया कि जो आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर जो पार्ट है उसके नाम लिखते समय आपको डाई ट्राई का यूज नहीं करना है, तो यहाँ सिर्फ क्लोराइड रहेगा। ये आप है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर K3 है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर FeCN6 है। तो पहले लिगेंड, अगर पहले आपको आयोनाइजेशन स्फीयर दिया तो आयोनाइजेशन स्फीयर लिख दीजिए पोटेशियम, देन इसका अगर नाम लिखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का तो पहले लिगेंड यानी हेक्सा साइनो। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था इसमें माइनस चार्ज बियर कर रहा है, ये कितना, -3 चार्ज को बियर कर रहा है। तो मेटल के ऊपर जो नाम लिखेंगे उसमें हमको ATE लगाना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका रहेगा 3। ओके, वापस समझ लेते हैं, पहले आयोनाइजेशन स्फीयर का नाम पोटेशियम विदाउट प्रीफिक्स, देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देख लेते हैं, चार्ज इसके ऊपर माइनस आएगा, नेगेटिव, एनायनिक पार्ट है इसलिए मेटल के नाम में इसमें ATE का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ATE का हमने यूज किया है, तो यहाँ पे इसका नाम रहेगा हेक्सा साइनो फेरेट और फिर ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपका है कोबाल्ट, कोबाल्ट डाइएमिन डाइक्लोरो डाइब्रोमो एंड आपका आयोनाइजेशन स्फीयर में SO4, तो जब आप डिसोसिएट करेंगे तो SO4 2 माइनस आएगा और कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा +2 चार्ज, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 चार्ज, आयोनाइजेशन स्फीयर का है जो है वो -2 चार्ज तो है ही है। तो इसका नाम जो लिगेंड, इसमें 3 टाइप के, देखिए एमिन लिगेंड है, ब्रोमो है, क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट लिगेंड आ रहा है उसका नाम पहले लिखेंगे, तो ए फर्स्ट आता है अल्फाबेट में तो पहले लिखेंगे एमिन, यानी कि एमिन के कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो डाई एमिन, देन बी पहले आता है तो डाई ब्रोमो, देन सी तो डाई क्लोरो, फिर मेटल का नाम, और मेटल जो है वो जो कैटायनिक पोर्शन के अंदर आ रहा है इसलिए मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं होगा, कोबाल्ट सेकंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट में आयोनाइजेशन स्फीयर का जो पार्ट था सल्फेट। तो इस टाइप से हमने इस नाम को बताया, यहाँ पे इसका ऑर्डर ही आपको याद रखना है कि कौन सा लिगेंड पहले लिखा जाएगा, तो वो अल्फाबेट के हिसाब से लिखा जाएगा इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, रोडियम कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, रोडियम Cl3PPH3, ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है, हाइड्रोजनेशन के लिए यूज में लेते हैं। तो नाम इसमें कौन आएगा, ये आपका फॉस्फाइन लिगेंड है और ये क्लोराइड, तो सी एंड फॉस्फाइन में सी पहले आता है, क्लोराइड एंड फॉस्फाइन में, तो क्लोराइड देन फिर ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन, तो ट्राई ये आपका देखिए क्लोराइड ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन एंड देन आपका रहेगा रोडियम मेटल, ये फॉस्फाइन रोडियम एंड ऑक्सीडेशन नंबर इसका रहेगा 1। देखिए जब भी हम पूरा नाम लिखेंगे तो उसके बीच में कोई गैप या सेपरेशन नहीं रहता, ये पूरा का पूरा विदाउट गैप या विदाउट स्पेस के पूरा नाम चलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। देन है हमारा कोबाल्ट एथिलीन डाइएमिन के 2 मॉलिक्यूल एंड क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल, चार्ज है प्लस, तो इसके में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेगा 3, क्योंकि अंदर -2 रहेगा और इक्वल टू -1 के +1 के बराबर रहेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड इसमें बता ही देते हैं आपको, जस्ट इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, तो मान लीजिए कि कोबाल्ट है आपके पास X, एथिलीन डाइएमिन 0 चार्ज रहता है इसके ऊपर, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज रहता है, तो 2 मॉलिक्यूल क्लोराइड के, तो 2 -1, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है +1, तो
जितना कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है उसके बराबर कर दीजिए। तो एक्स कितना आएगा, ये 2 इंटू माइनस 1 माइनस के 2 रहेगा, ये राइट साइड जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएंगे, तो कितना आ गया आपके पास प्लस के 3। तो इसके अंदर कोबाल्ट प्लस 3 के अंदर एग्जिस्ट करेगा, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए इसके मेटल के नेम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा हमें। अब इसका नाम क्या रहेगा आपका, क्लोराइड एंड एथिलीन डाइअमीन में पहले कौन आता है, सी पहले आता है, तो हमें क्लोराइड पार्ट को पहले लिखना पड़ेगा। तो डाइक्लोरो डाई एथिलीन डाइअमीन यहां तक, एंड देन फिर कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर में। ओके, लास्ट एग्जांपल है अपने पास इरिडियम कॉम्प्लेक्स है, जो कि वास्कास कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है अपने पास। वास्कास कॉम्प्लेक्स दिख देता हूं आपको, एक रिवीजन हो जाएगा। ये आपका था विल्किंसन कैटलिस्ट था, और ये आपका था वास्का कॉम्प्लेक्स। इसका यूज रहता था हाइड्रोफॉर्मुलेशन के लिए, हाइड्रोफॉर्मुलेशन के लिए इसका हम यूज करते थे, वास्का कॉम्प्लेक्स का यूज हम करते हैं। तो वास्का कॉम्प्लेक्स के लिए भी देख लेते नेम क्या रहने वाला है इसका, ये तो इसका ट्राइवियल नेम था। आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज है तो न्यूट्रल है, ऊपर एक नेगेटिवली आपका लिगेंड मौजूद है क्लोराइड, इसलिए इसका प्लस 1 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। सबसे पहले कार्बोनिल क्लोराइड और ट्राइफिनाइल फॉस्फाइड में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, सी, कार्बोनिल का सी ए और क्लोराइड का सी एच, तो सी एच और सी ए में कौन पहले आएगा, सी ए, तो कार्बोनिल, देन आपको लिखेंगे क्लोराइड, देन डाई ट्राइफेनिल फॉस्फाइन एंड लास्ट में इरिडियम फर्स्ट एटम। तो इस टाइप से हमने इसकी नेमिंग की। तो हमें कॉम्प्लेक्स के नेमिंग के लिए 7 पॉइंट्स याद रखना है, 7 पॉइंट को अप्लाई करना, जनरली आपको नेम आ जाएगा। तो इसमें से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो आज के लेक्चर में जितने भी टॉपिक थे वो हमने कवर किए, हम फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आज के। तो लेक्चर 2 के अंदर हमने आज क्या क्या स्टडी किया वो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमने स्टडी किया, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में हमने स्टडी किया फुली। टाइप्स ऑफ लिगेंड हमने देखे कितने टाइप के थे, हमने अकॉर्डिंग टू सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर के टाइप से भी हमने लिगेंड को वेरीफाई किया, उनको डिफ्रेंशिएट किया, और फिर हमने कितने डोनर साइट प्रेजेंट है लिगेंड में उसके हिसाब से भी उसे हमने डिवाइड किया। लाइक हमने मोनोडेंटेड एनायनिक पोर्शन, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड भी पढ़ा, बाईडेंटेड ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड लिगेंड के बारे में भी स्टडी की, हेक्साडेंटेड एंड पेंटाडेंटेड के बारे में भी स्टडी की। तो इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम के अंदर 2 मार्क में अंदर मिलेगा। फिर हमने लास्ट में पढ़ा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी की। नोमेनक्लेचर पार्ट एग्जाम के हिसाब से या नंबर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसका यूज अपकमिंग वीडियोस के अंदर होगा और सभी को नोमेनक्लेचर पता भी होना चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को हमने स्टडी किया। तो लेक्चर नंबर 2 से हम लेक्चर नंबर 3 में जाएंगे। लेक्चर 3 में जो टॉपिक्स हम स्टडी करने वाले हैं उनको देख लेते हैं। लेक्चर 3 के अंदर जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें रहेगा स्ट्रक्चर एंड आइसोमरिज्म। इसमें हम स्टडी करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री की डिटेल स्टडीज में होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री, टाइप्स ऑफ आइसोमर, 2 टाइप के रहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। और इस लेक्चर में के अंदर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर का डिटेल स्टडी भी करेंगे। इट मीन्स ये लेक्चर नंबर 3 इंपॉर्टेंट होने वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री के लिए एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए। तो आई होप आपको लेक्चर 2 पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में हमें शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं लेक्चर 2 से लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वंस अगेन
Have a nice day.